चाची की हालत बहुत खराब है मीनाक्षी जाने के बाद में। चाची को बुखार भी आ रही है। चाची कैसा लग रहा है? हाँ, मीनाक्षी को याद कर रही नहीं कर रही है ना। डॉक्टर दिखा भी लिया ना बुखार आने के बाद में? दिखा लिया। तो
कितना दूर लग रहा है मीनाक्षी जाने के बाद में यार, कहाँ गई है? भाई फिर तो कोटा जाओ जी, आ जाओ जी, बाकी अब ससुराल गई तो अलग है ना। सच में कर्नाटक आ रहे जा, बिल्कुल हाँ, क्योंकि अब एक तरह से पढ़ाई पर हूँ, देर आओगी लिमिट के लिए आओगी, है ना, बुरा लग रहा है ना भाई। चाची का लदे हो कैसे होगी बेचारी की, ना कल तो चमक रही थी बिल्कुल लाडी की तरह, भाई आज बिल्कुल सोनी सोनी हो गई। मीनाक्षी ए पिंकी बता तुझे कैसा लग रहा है अभी? बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है देख। वो यहाँ थी जब तो बहुत अच्छा लग रहा था, बाकी तीन चार पाँच छः दिन से बहुत चल फेल हो रही थी, है ना, कोई नहीं उसको भी उसको घर बसाना बेचारी को यार, खुश रहे वो भी, जहाँ भी जाए जहाँ, ठीक है। कोटा जा रही है, दूर थोड़ी जा रही है, दूर नहीं जा रही लेकिन अब फिर भी दुख तो होता ही फिर भी, है ना, पहले लिमिट नहीं थी आने जाने की, बाकी अब एक वो लिमिट के लिए आएगी, दो पाँच आठ दस दिन के लिए, है ना, उसकी आजादी छिन चुकी है, आजादी छिन चुकी है बिल्कुल, पहले फ्रीडम था भाई एकदम से, मतलब पीछे बाबी जी श्री, है ना, आज सच में पढ़ाई हुई हो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चाचा सही बोल रहे, सच में पढ़ाई हुई है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत शानदार, पाँच छह दिन से फुल चेल फेल हो गई है, ठीक है ना, चलती है आज बिल्कुल से एकदम से मायूस, बिल्कुल शांत हो गया, शांत माहौल हो गया बिल्कुल, हाँ मीनाक्षी जाने के बाद, मतलब जो मैंने शॉर्ट वीडियो डाला था भाई तो उसको देखता हूँ तो लगता है यार कि यार सच में इसकी शादी होगी, जारी कह रहा हूँ मिस कर रहे हैं मैं, सब मिस कर रहे हैं बेटा। हाँ और ये इसके दोस्त है ना भाई, ये तो एक घंटे तो रो रही थी, आंसू पूछ ले गाँव से इनके लिए, सब जगह यही रोई है ना, कैसा लग रहा है, है ना, बहुत रो रही थी मैं, मम्मी बोल रही थी याद आ रही ना, चल कोई बात नहीं, कोटा चलो रियली यार सच में मिस कर रहे हैं, क्योंकि पिछले आठ दस दिन से सबको अच्छा लग रहा था, सब चैल फेल हो रही थी, बाकी अब थोड़ा सो भाई फाइनली रियली में यार मीनाक्षी को बहुत मिस कर रहे हैं, पिछले आठ दिन से यहाँ पर इतनी चहल पहल हो रही थी, डेली नहा धो के तैयार होके जाना और वहाँ डांस कूद करना, बहुत सारे फंक्शंस थे यार सबको अटेंड करना, मस्ती करना, तो अब बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे तो यार अपना कुछ पार्ट अलग हो गया अपन से, मतलब बिल्कुल सुन हो रहा है, वरना जो पहले वरना जो पीछे वाली छत दिख रही ना उस पर लाइटें जगमगा रही थी, बाकी अब बिल्कुल अधूरा अधूरा लग रहा है, सुना हो रहा है। तो भाई इस वेडिंग का लास्ट ब्लॉग है ये, इसके बाद में अपन एक नया सेशन स्टार्ट करेंगे, तो हो सकता है प्रभु श्री राम जी मुझे बुला सकते हैं अयोध्या, तो अयोध्या के बहुत सारे पार्ट आएंगे यार, देखना बिल्कुल मिस मत करना। आई होप आपको हमारे ये ब्लॉग्स अच्छे लगे होंगे, अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर करो, जो भी चैनल पर नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का पार्ट बनो।